राजस्थान के अलवर जिले के रायगढ़ में वर्षों पुराने हिंदू मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। स्थानीय लोग इससे बेहद आहत हैं। अशोक गहलोत सरकार के इस फैसले की वहां की जनता आलोचना कर रही है। 300 साल पुराने मंदिर को जमींदोज करने के लिए जेसीबी मशीन लाई गई थी। इससे पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राम दरबार पर भी बुलडोजर चला दिया था, इसकी भी खूब आलोचना हुई थी। और एक बार फिर से जब 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला तो जनता भड़क गई। चाहे सोशल मीडिया हो या राजस्थान की आम जनता, दोनों ही अशोक गहलोत सरकार को निशाने पर ले रही है। इंडिया टीवी के मुताबिक मंदिर के अंदर रखे शिवलिंग को भी ड्रिल मशीन का उपयोग करके उखाड़ दिया गया है, जिसके बाद हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और अब वो अशोक गहलोत सरकार से कई बड़े सवाल पूछ रही हैं। इस मामले पर भाजपा राज्य में अशोक गहलोत सरकार पर 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ने और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का दोषी ठहरा रही है। भाजपा ने एक ट्वीट में कहा है कि जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए अलवर के राजगढ़ में अशोक गहलोत सरकार ने शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया है। हिंदू मंदिर के अलावा राजगढ़ के अधिकारियों ने मास्टर प्लान का हवाला देते हुए सड़क चौड़ीकरण अभियान में 85 से अधिक हिंदू परिवारों के घरों को भी ध्वस्त कर दिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार राजगढ़ नगरीय मास्टर प्लान के नाम पर नगर पालिका प्रशासन और अफसरों ने 85 दुकान मकानों के साथ 100 से ज्यादा परिवारों की जिंदगी भी ध्वस्त कर दी है। ये परिवार भूखे मरने के हालात में आ गए हैं। जिन स्थानीय लोगों के घरों और दुकानों को ध्वस्त किया गया है उन सभी के पास उन संपत्तियों के वैध दस्तावेज भी थे, इसके बावजूद नगर पालिका ने इनके मकानों को गिरा दिया है। पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 17 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान में अब तक पुराने मंदिरों सहित 150 से अधिक घरों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने को लेकर संबित पात्रा का भी बड़ा बयान आ गया है। संबित पात्रा ने कहा है कि गांधी परिवार का तो शुरू से ही भगवान राम पर विश्वास नहीं था, आज उन्होंने साबित कर ही दिया है कि वो केवल चुनावी हिंदू हैं। क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा है सुनिए। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करते। आपने एफिडेविट लिख करके ये दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम मृतक है, और आज जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर, एक बात तो स्पष्ट होता है, आप केवल चुनाव में जिस प्रकार से मंदिर मंदिर जाके त्रिपुंड लगा करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिथ्या है। आज जो आपने राजस्थान में किया है शिव मंदिर पर प्रहार करके, वही आपका सत्य है। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार। वही सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि अशोक गजनवी राज में मंदिर पर चला बुलडोजर, अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को जेसीबी से गिराया गया, मूर्तियां बुरी तरह से खंडित की गई, अशोक गहलोत के मुगल शासन का अंत अब नजदीक है, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। एक यूजर ने कहा कि अलवर में शिवलिंग को ड्रिल से तुड़वा रहे हो अशोक गहलोत जी, आप में और औरंगजेब में कोई अंतर नहीं है। अरुण यादव जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर गहलोत सरकार ने चलवाया बुलडोजर, जहांगीरपुरी में अवैध मस्जिद का गेट टूटने पर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अब कहां हैं? अमित मालवीय ने भी इस पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि राजस्थान के अलवर में विकास के नाम पर तोड़ा गया 300 साल पुराना शिव मंदिर, करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना, यही कांग्रेस का है सेक्युलरिज्म। विकास भदौरिया ने भी इस पर ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि अलवर राजस्थान में 300 साल वर्ष पुराने मंदिर को बुलडोजर से ढाया गया है, मंदिर के भीतर मूर्तियों को तोड़ने के लिए कटर और ड्रिलर चलाया गया है, सड़क को चौड़ा करने के लिए ये कार्रवाई की गई है, हैशटैग बुलडोजर। एक यूजर ने लिखा कि आप कांग्रेसी कर भी क्या सकते हैं, देश भर में भाजपा का नाम और कांग्रेस का नामो निशान खत्म बची है।
दो राज्यों में सरकार अभी अपना ताकत तो मंदिरों पर ही दिखाएंगे, क्योंकि मस्जिदों में इनका खुद का आना जाना रहता है। दरअसल ये जो यूजर हैं ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो मस्जिद में आती जाती है, इसीलिए वो मंदिरों पर कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस का नामो निशान जो है वो खत्म हो चुका है। एक अन्य यूजर ने इसी मामले में ट्वीट करते हुए लिखा है कि पहले राम दरबार, अब शिव मंदिर और शिवलिंग तुड़वा दिया गहलोत सरकार ने, गहलोत साहब कलयुग के औरंगजेब हो रखे हैं। एक अन्य यूजर ने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कितने अफसोस की बात है कि हिंदू मंदिर तोड़ा जा रहा है, परंतु इस असंवैधानिक कृत्य को रोकने के लिए एक भी हिंदू भाई यहाँ नहीं है। अगर किसी मस्जिद की बात होती तो लाखों लोग पत्थरबाजी करते और तलवारें लेकर निकल जाते, सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पहुँच जाता और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पीएम मोदी को उन्होंने टैग भी किया है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अब कोई कोर्ट नहीं जाएगा क्योंकि हमारे हिंदू धर्म गुरु अपने कानों में तेल डालकर सो रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि भाजपा में कोई भी वृंदा करात जैसा नहीं है जो कोर्ट के ऑर्डर के साथ बुलडोजर के आगे खड़ा हो सके। वहीं पर इस मामले को लेकर एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि अब कोई वकील नहीं जाएगा कोर्ट, अब कोई मियां लॉर्ड स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। एक अन्य यूजर ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा कि कहां गई अब बड़ी बिंदी वाली, राजस्थान में उसको बुलडोजर नहीं दिखाई दे रहा है जो मंदिर को तोड़ा जा रहा है। राजस्थान की निकम्मी सरकार, राजस्थान की हिंदू विरोधी सरकार को याद रखना है, 2024 में एक भी सीट नहीं आनी चाहिए इनकी। हिंदू भाइयों, गद्दार कांग्रेसियों का अब कहां गए जहांगीरपुरी में छाती पीटने वाले। एकानी यूजर ने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जहांगीरपुरी में कम्युनल बुलडोजर के बाद राजस्थान में एक सेकुलर बुलडोजर ने 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया है, जिस पर रोक के लिए कोई वकील कोर्ट नहीं गया, ना ही कोई पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। एकानी यूजर ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराना शिव जी का मंदिर बड़ी बेरहमी से विकास के नाम पर तोड़ दिया गया, ड्रिल करके शिवलिंग को भी तोड़ दिया गया है। हिंदुओं की आस्था पर चोट करना, उनकी भावनाओं को आहत करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। आतंकवादियों, पत्थरबाजों का समर्थन, बचाव करने वाली कांग्रेस आज इतना नीचे गिर गई है कि हिंदुओं की आस्था, उनकी भावनाओं का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। हिंदू युवा वाहिनी जौनपुर नगर इकाई की ओर से इस घिनौने बदले की भावना से परिपूर्ण कृत्य का पुरजोर विरोध करता हूं और सम्मान के साथ मंदिर को पुनः स्थापित करने की मांग करता हूं। भाजपा के नेता मेजर सुरेंद्र पुनिया ने भी इस पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर बुलडोजर से तुड़वा दिया है। जो औरंगजेब नहीं तोड़ पाया उसको अब कांग्रेस तुड़वा रही है। राहुल गांधी को उन्होंने टैग भी किया है। नीचे लिखा है कि हेलो शिव भक्त, आपने अपने सेकुलर बुलडोजर से भगवान शिव का ही मंदिर तुड़वा दिया है, 300 साल पुरानी विरासत मिटा दिया। वही हिंदू संगठनों का आरोप है कि बुलडोजर से मूर्तियों को खंडित किया गया है, विकास के नाम पर साजिश के तहत ये मंदिर तोड़े गए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है। आज हम आए हैं और यहाँ पर ये सराय रोड के ऊपर बड़े अनैतिक कार्रवाई करी है और ये जो है अभी व्यापारी जो है कोरोना काल के अंदर प्रशासन के साथ मिला था और उसने हाथ में हाथ मिलाया था और उसने तमाम तरह के सेवा कार्य किए थे और अभी कोरोना निकला भी नहीं है और तमाम ये जो दुकानें हैं और प्रतिष्ठान हैं तोड़ दिए गए हैं। चार मंदिर भी हिंदू धर्मस्थलों का निशाना बनाया गया है, मूर्ति खंडित कर गई है और पूरे जड़ से जो है हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ा गया है। ये बड़ा निंदनीय और शोचनीय है। अगर कोई मास्टर प्लान का मैटर भी था तो इनको जो है इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी और उस व्यवस्था के बाद ही कुछ कार्य करना चाहिए था और ये कोई समय नहीं था ये कार्य करने का, अभी रुका जा सकता था। अभी कोरोना काल के बाद वैसे ही व्यापारी काम धंधों से त्रस्त है तो इसलिए ये कोई समय नहीं था। इसके लिए हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इनको व्यापारियों को मुआवजा मिले और जो हमारे जो हिंदू धर्म स्थल हैं उनको जो है वापस प्रतिष्ठा मिले।